हेलो 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 बच्चों, वेलकम 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 टू योर फेवरेट चैनल साइंस की पाठशाला, जहां पे हम साइंस के एक्सपेरिमेंट्स, कॉन्सेप्ट्स और थियोरी को डिस्कस करते हैं। हाँ, आपने सही सुना, हम यहाँ पे एक्सपेरिमेंट भी कंडक्ट करने वाले हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। सो दैट आपके पूरे के पूरे जो साइंस के कॉन्सेप्ट्स है वो क्लियर हो जाएंगे, और साथ साथ में हम यहाँ पे इम्पोर्टेंट थियोरीज और न्यूमेरिकल्स को भी डिस्कस करते हैं। आज के लेक्चर में हम क्लास 10 का चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस को डिस्कस करने वाले हैं। पहले इसका इंट्रोडक्शन पार्ट आएगा, जहाँ पे हम फिजिकल चेंजेस और केमिकल चेंजेस को डिस्कस करने वाले हैं। इसके बाद हम कुछ एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट करने वाले हैं, और बाद में इसका थियोरी पोर्शन आएगा, जहाँ पे हम एंडोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस क्या होते हैं वो भी डिस्कस करेंगे, और लास्ट में हम इसके बैलेंसिंग के क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो फटाफट से इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने फ्रेंड्स और फैमिली में इसको शेयर कर देना। तो सबसे पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि फिजिकल चेंजेस और केमिकल चेंजेस क्या होते हैं। अगर आप लोगों को याद हो तो ये टॉपिक आप लोगों ने स्टैंडर्ड 9 में भी ऑलरेडी स्टडी किया था। ये वाला पार्ट आपका चैप्टर नंबर 2 के अंदर आया था, लेकिन हम इसको वापिस से भी डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि फिजिकल चेंजेस क्या होते हैं। तो ऐसे पर्टिकुलर चेंजेस जहाँ पे केमिकल रिएक्शन के दौरान कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता, ऐसे चेंजेस को हम कहते हैं फिजिकल चेंजेस। वापिस से मैं रिपीट कर रहा हूँ, ऐसी कोई पर्टिकुलर प्रोसेस जहाँ पे कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता, ऐसे चेंजेस को हम क्या कहेंगे? फिजिकल चेंजेस। अभी हम इसको डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं यूजिंग एग्जाम्पल्स, तो आपको क्लियरली इसका आइडिया आ जाएगा। सिमिलरली केमिकल चेंजेस किसको कहेंगे? तो ऐसी पर्टिकुलर प्रोसेस जहाँ पे कोई नया केमिकल सब्सटेंस बनता है उसको हम कहेंगे केमिकल चेंजेस। फॉर एग्जाम्पल, हमें यहाँ पे लिस्ट करके हुए दिए हैं प्रोसेसेस। अब आप लोगों को आइडेंटिफाई करना है कि ये फिजिकल चेंज है कि केमिकल चेंज है। तो फर्स्ट प्रोसेस देखो क्या गिवन है, मेल्टिंग ऑफ आइस। तो सबसे पहले आप लोग खुद से सोचो कि इसको हम फिजिकल चेंज कहेंगे कि केमिकल चेंज कहें। यहाँ पे आइस का मेल्टिंग हो रहा है, मतलब कि यहाँ पे आइस जो है, जो पहले सॉलिड फॉर्म में था, वो लिक्विड फॉर्म में यानी कि वाटर में कन्वर्ट हो रहा है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इसका स्टेट चेंज हो रहा है। वाटर और आइस केमिकली सेम चीज है, दैट मीन्स हम इसको केमिकल चेंज नहीं कहेंगे, ऐसे चेंजेस को हम कहेंगे फिजिकल चेंज। इसको शॉर्ट में मैंने लिख दिया पीसी, यानी कि फिजिकल चेंज। ठीक है, यहाँ पे अच्छे से समझना, केमिकली आइस और वाटर सेम चीज है, हम इसको कभी भी केमिकल चेंज नहीं कह सकते। ठीक है, आइस का जो फॉर्मूला है उसमें भी H2O ही लिखा जाता है, और सिमिलरली जो वाटर का फॉर्मूला है वहां पे भी H2O ही लिखते हैं, सिर्फ और सिर्फ वहां पे मॉलिक्यूल्स जो है वो सेपरेट हो जाते हैं, इसलिए वो आइस में से वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। सिमिलरली सेकेंड एग्जाम्पल हमें गिवन है इवापोरेशन ऑफ वाटर। तो अगेन सोचो क्या ये फिजिकल है कि केमिकल। तो अगेन यहाँ पे वाटर इवापोरेट हो रहा है, दैट मीन्स वो लिक्विड में से वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, केमिकली दोनों सेम चीज है, तो इसको हम क्या कहेंगे? अगेन अवर फिजिकल चेंज। नेक्स्ट है बर्निंग ऑफ वुड। ठीक है, अच्छे से समझना। अब देखो यहाँ पे हम वुड को बर्न कर रहे हैं। जब भी किसी भी चीज को बर्न करते हैं तो आपने नोटिस किया होगा कि एक ब्लैक कलर का स्मोक निकलता है वहां से, और वो जो स्मोक है वो किसका होता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड का। दैट मीन्स यहाँ पे हमने वुड को बर्न किया और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रहा है, जो एक कम्प्लीटली न्यू सब्सटेंस है। दैट मीन्स हम इसको कह सकते हैं कि ये हमारा केमिकल चेंज है। ठीक है, एक और चीज आपको अगर मैं बताऊं, अगर आपको किसी भी स्टेटमेंट में ये वर्ड दिखे बर्निंग, तो आप डायरेक्टली लिख देना कि ये केमिकल चेंज होता है, बिकॉज बर्निंग वर्ड सजेस्ट करता है कि केमिकल चेंज है। बर्निंग की वजह से हमेशा कोई ना कोई वहां पे गैस प्रोड्यूस होती है। अब देखो नेक्स्ट हमें गिवन है सोरिंग ऑफ मिल्क इन समर। आपने ये नोटिस किया होगा कि अगर आपने मिल्क को समर के अंदर रखा है ओपन एनवायरनमेंट में, तो वहां पे उसका टेस्ट तुरंत ही चेंज हो जाता है कुछ पर्टिकुलर आवर्स के अंदर।
ठीक है, वो जो मिल्क है वो कर्ड में कन्वर्ट हो जाता है और उसका टेस्ट हो जाता है सॉर। तो इस केस में नया सब्सटेंस बन रहा है, तो इसको हम कहेंगे केमिकल चेंज। और लास्ट है हमारा रस्टिंग ऑफ आयरन, इसको भी हम कहेंगे हमारा केमिकल चेंज। क्यों? बिकॉज यहाँ पे जब आयरन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, वाटर के साथ रिएक्ट करता है, तो उसके ऊपर एक न्यू लेयर आ जाती है, वो लेयर होती है आयरन ऑक्साइड की। ठीक है, तो ये भी हमारा यहाँ पे नया सब्सटेंस बनता है, इसलिए हम इसको कहते हैं केमिकल चेंज। रस्टिंग कैसे होता है तो हम इसको इस चैप्टर के अंदर डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो फिजिकल चेंजेस क्या होते हैं, केमिकल चेंजेस क्या होते हैं, वो मैंने आपको बहुत ही अच्छे से डिटेल में समझा दिया। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से इसको लाइक और सब्सक्राइब भी कर देना। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ चुका होगा। सो केमिकल रिएक्शन का मतलब होता है ऐसी कोई पर्टिकुलर प्रोसेस जहाँ पे केमिकल चेंज हो रहा हो। ठीक है, ऐसी कोई भी प्रोसेस जहाँ पे केमिकल चेंज होता है, ऐसे टाइप के रिएक्शन को हम कहते हैं केमिकल रिएक्शन। इसके कुछ एग्जांपल हमें वापस से गिवन है, कुकिंग ऑफ फूड, जब भी हम फूड को कुक करते हैं तो एक नया केमिकल सब्सटेंस बनता है, इसलिए हम इसको कह देंगे केमिकल रिएक्शन। रेस्पिरेशन प्रोसेस, ठीक है, जहाँ पे हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन को ब्रीद इन करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को ब्रीद आउट करते हैं। तो हमने ऑक्सीजन अंदर लिया और एक नया सब्सटेंस बाहर निकाला, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड, इसलिए हम इसको भी कह सकते हैं दिस इज अ केमिकल रिएक्शन। डाइजेशन प्रोसेस, जहाँ पे हम फूड को कंज्यूम करते हैं और बाद में हमारे स्टमक के अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज होता है जिसके बाद फूड डाइजेस्ट हो जाता है, वहाँ पे एक केमिकल रिएक्शन होता है। ठीक है, ये भी एक केमिकल चेंज और केमिकल रिएक्शन का पार्ट हुआ। नेक्स्ट आता है फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स। ठीक है, ग्रेप्स में से जब वाइन बनाई जाती है तो उस चीज को कहा जाता है फर्मेंटेशन, ये भी एक केमिकल रिएक्शन है। और साथ साथ में जब भी हम कैंडल के वैक्स को बर्न करते हैं तो वहां पे भी आपने देखा होगा कि वेपर्स निकलते हैं, एक न्यू प्रोडक्ट बनता है, तो इसको भी हम कहेंगे एक केमिकल रिएक्शन। तो इस तरीके से ये सारे पार्ट को आपको अपने नोटबुक के अंदर लिख लेना है, नोट कर लेना है और याद भी रख लेना है, बिकॉज इसमें से वन मार्कर्स पूछे जाते हैं। अब हम इस चैप्टर का फर्स्ट एक्सपेरिमेंट डिस्कस करने वाले हैं जो आपको इस चैप्टर के फर्स्ट पेज पे गिवन है। तो इस एक्सपेरिमेंट को आप अच्छे से ऑब्जर्व करना, इसके बाद हमने इस एक्सपेरिमेंट में क्या किया उसको डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो आप लोग इस एक्सपेरिमेंट को बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करना। मजा आया। सो आप लोगों ने एक्सपेरिमेंट तो देख लिया, अब हम ये डिस्कस करते हैं कि ये रिएक्शन में एक्चुअल में क्या होता है। तो सबसे पहले आपने नोटिस किया होगा कि मैंने मैग्नीशियम की रिबन को लिया था, एक छोटी सी स्ट्रिप थी वहां पे। अब मैंने उसको कैंडल का यूज करके उसको हीट किया और आपने वहां पे नोटिस किया होगा तो वहां पे एक लाइट प्रोड्यूस होती है, और साथ साथ में जब वो मैग्नीशियम की रिबन कंप्लीटली बर्न हो जाती है तो हमें वहां पे नीचे व्हाइट कलर का पाउडर मिलता है। ये रिएक्शन को कैसे लिखा जाता है अब हम वो डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मेरे पास मैग्नीशियम था। अब जब भी मैं किसी सब्सटेंस को हीट करता हूँ तो वो हीटिंग के लिए हमेशा ऑक्सीजन नेसेसरी होता है। ठीक है, विदाउट ऑक्सीजन कभी भी हीटिंग होगा ही नहीं, इसलिए मैग्नीशियम ने वहाँ पे ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया। ये जो ऑक्सीजन है वो हमारे एनवायरमेंट के थ्रू आता है, तो मैग्नीशियम ने जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया तो उस केस में हमें लास्ट में व्हाइट कलर का पाउडर मिला
वो जो पाउडर है उसको कहा जाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, आपको क्या चीज याद रखनी है, तो ये मैग्नीशियम पाउडर जो है वो व्हाइट कलर का होता है। अब देखो इसको क्या कहते हैं, किसको रिएक्टेंट कहेंगे, किसको प्रोडक्ट कहेंगे, वो समझना है। जो पर्टिकुलर केमिकल सब्सटेंस एक दूसरे के साथ मिक्स होते हैं उनको कहा जाता है रिएक्टेंट। यहाँ पे मैग्नीशियम ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करने का ट्राई किया, तो एरो के जो लेफ्ट हैंड साइड पे होते हैं उनको हमेशा रिएक्टेंट कहा जाता है। अब ये केमिकल रिएक्शन के बाद जो नई चीज या तो न्यू केमिकल सब्सटेंस जो हमें मिला उसको हम कहते हैं प्रोडक्ट। दैट मीन्स हमारा जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है उसको हम कहेंगे हमारा प्रोडक्ट। अब इस एक्सपेरिमेंट में कौन कौन से ऑब्जर्वेशन हमने नोटिस किए उसको आप अच्छे से नोट कर देना, सो दैट आपके एग्जाम में अगर ये इसमें से पूछा जाता है तो आप आंसर कर पाओ। फर्स्ट ऑब्जर्वेशन हमने क्या देखा कि जब भी हम मैग्नीशियम रिबन को बर्न करते हैं तो वहां पे एक वाइट डिजलिंग लाइट प्रोड्यूस होती है। ये वर्ड आप लोग खास करके याद रख लेना, अगर मैं बोर्ड का एग्जाम का पेपर बनाऊंगा तो ये क्वेश्चन हमेशा पूछूंगा। ठीक है, ये क्वेश्चन ऐसा है कि मैं तो पूछूंगा, ठीक है, MTP मतलब कि मैं पूछने वाला हूं इस क्वेश्चन को। अगर मैं बोर्ड के एग्जाम का पेपर सेटर होता तो मैं तो पूछूंगा, ये चीज याद रखना, मतलब कि मोस्ट टाइम पे ये टॉपिक है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इट फॉर्म्स व्हाइट पाउडर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये भी आपको याद रखना है कि मैग्नीशियम ऑक्साइड जो हमें यहाँ पे मिला उसका कौन सा कलर है, व्हाइट पाउडर। ये भी क्या हो गया आपका, MTP हो गया। मैग्नीशियम रिबन को हमेशा क्लीन करना पड़ता है बिफोर यूजिंग इट। ठीक है, ये जो मैग्नीशियम की रिबन है उसको मैंने पहले क्लीन किया था सैंड पेपर का यूज करके, क्योंकि कई बार मैग्नीशियम जो एक हाईली रिएक्टिव सब्सटेंस है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर बना देता है। आई रिपीट, अगर मैं मैग्नीशियम की रिबन को कुछ टाइम के लिए एटमोस्फियर के अंदर ओपन रख देता हूँ, मतलब कि रख देता हूँ ऐसे ही छोड़ देता हूँ, तो उस केस में वो मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर बना देता है उसके ऊपर, और उस कंडीशन में वो कभी भी बर्न नहीं होगा, बिकॉज मैग्नीशियम ऑक्साइड की जो लेयर है वो प्रोटेक्टिव लेयर तरह वर्क करती है, वो कभी बर्न नहीं होती। अब हम देखते हैं एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसमें से 2 मार्कर्स आपको पूछे जाते हैं, दैट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब होता है कि हम ऐसे कौन से चेंजेस देखते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन के दौरान, ऐसे कौन से चेंजेस जो हम ऑब्जर्व करते हैं जिससे हमें पता चल जाएगा कि हाँ डेफिनेटली यहाँ पे रिएक्शन होता है। जैसे कि मान लो कि हमने वहां पे जब मैग्नीशियम रिबन को बर्न किया था तो वहां पे लाइट प्रोड्यूस हो रही थी, तो वो लाइट ऐसा सजेस्ट करती है कि यहाँ पे एक केमिकल रिएक्शन हो रहा है जिसकी वजह से लाइट निकली। तो वैसे बहुत सारे ऑब्जर्वेशंस होते हैं और इस ऑब्जर्वेशंस को हम कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। उसमें से हम फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स को देखने वाले हैं, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। ये जो वर्ड है प्रेसिपिटेट वो आप लोगों के लिए अभी नया है, तो अच्छे से समझना, मैं आप लोगों को इसका मीनिंग अब समझाने वाला हूँ। प्रेसिपिटेट का मतलब होता है एक ऐसा इनसॉल्यूबल सॉलिड जो केमिकल रिएक्शन के बाद में प्रोड्यूस होता है। आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि मान लो आपके पास सैंड है और वाटर है, अगर आप सैंड को वाटर के साथ मिक्स करने का ट्राई करते हो फिर भी वो नहीं होता है। सैंड हमेशा इनसॉल्यूबल सॉलिड के फॉर्म में ही रहता है, सिमिलरली यहाँ पे प्रेसिपिटेट के वक्त होता है। जब भी कोई प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है तो वो हमेशा इनसॉल्यूबल सॉलिड के फॉर्म में ही होगा। हमने 2 केमिकल्स को मिक्स किया और वो जब दोनों केमिकल्स प्रॉपरली मिक्स हो जाते हैं तो उस केस में एक इनसॉल्यूबल सॉलिड मिलता है, और इस इनसॉल्यूबल सॉलिड को ही हम क्या कहते हैं, प्रेसिपिटेट। इसका अगर हम एग्जाम्पल देखें तो ये जो सब्सटेंस है
इसको कहा जाता है लेड नाइट्रेट। एक चीज मैं आप लोगों को बता दूं कि यहाँ पे अब हम बहुत सारे केमिकल इक्वेशंस और रिएक्शंस को देखने वाले हैं जहाँ पे इस फॉर्म में केमिकल रिएक्शन को लिखा होगा। अगर आप लोगों ने केमिकल सब्सटेंसेस के अभी तक फॉर्मूला याद नहीं किए हैं तो उसकी पीडीएफ मैंने नीचे यहाँ पे डिस्क्रिप्शन के अंदर उसकी लिंक पेस्ट करके रखी हुई है। उस लिंक के ऊपर क्लिक करके आप यहाँ पे जितने भी हम चैप्टर के अंदर जो आपके सिलेबस के अंदर जितने भी केमिकल फॉर्मूला है स्टार्टिंग फ्रॉम चैप्टर नंबर 1, 2, 3 उसकी लिस्ट मैंने पीडीएफ के फॉर्म में नीचे अटैच करके दी हुई है। तो उस लिंक के ऊपर आप इस लेक्चर को कंप्लीट करने के बाद जा सकते हो और वहां से पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना और जितने भी ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस है उसके फॉर्मूला आप लोगों को याद होने चाहिए। तो अब चलो वापिस से यहाँ पे आते हैं। तो ये जो फॉर्मूला है वो किसका है, लेड नाइट्रेट का। कैसे पता चलेगा, तो देखो पीबी जो सिंबल है वो लेड का होता है और ये नाइट्रेट आयन है इसलिए हम इसको कहते हैं लेड नाइट्रेट। ये जो के है वो किसका सिंबल होता है, पोटेशियम का। तो दिस इज अवर पोटेशियम और ये है हमारा आयोडीन, तो इसको कहा जाता है पोटेशियम आयोडाइड, ठीक है। सिमिलरली ये है हमारे पास वापिस से पीबी, तो यहाँ पे क्या बना, लेड, दिस इज लेड एंड दिस इज आई टू मतलब कि आयोडाइड, तो ये फॉर्मूला बन गया हमारा लेड आयोडाइड का। और सिमिलरली यहाँ पे के है मतलब कि पोटेशियम है यहाँ पे और उसके साथ है NO3 मतलब कि नाइट्रेट आयन, तो ये बन गया पोटेशियम नाइट्रेट। ये सारे केमिकल फॉर्मूलाज जो है वो वैलेंसीज को क्रॉस मल्टीप्लाई करके बनाए जाते हैं जो हमने स्टैंडर्ड 9 में डिस्कस ऑलरेडी कर दिया था। अब देखो यहाँ पे रिएक्शन किस तरीके से हुआ वो अच्छे से समझना। तो जब भी हमने लेड नाइट्रेट के सॉल्यूशन को पोटेशियम आयोडाइड के सॉल्यूशन के साथ मिक्स किया तो उस केस में लेड आयोडाइड बना और पोटेशियम नाइट्रेट बना। कैसे होता है ये रिएक्शन अब समझना। ये जो लेड है वो हमारा मेटल है मतलब कि ये एक पॉजिटिव आयन होता है, ठीक है। जितने भी मेटल्स होते हैं वो पॉजिटिव आयन बनाते हैं और इसके साथ जो पार्ट होता है वो नेगेटिव आयन का होता है। सिमिलरली पोटेशियम एक मेटल है तो ये पॉजिटिव आयन होता है और उसके बाद ये जो आयोडीन है वो नेगेटिव आयन की तरह वर्क करता है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो पॉजिटिव है वो उसके साइड वाले नेगेटिव के साथ कंबाइन हो जाएगा। जैसा आपने वो अक्षय कुमार वाला मीम देखा है ना, वो ऐसे हो जाता है, ठीक है, उस तरीके से यहाँ पे ये स्वैप हो जाते हैं। सो जब लेड ने आयोडीन के साथ मिक्स हुआ तो यहाँ पे क्या बन गया, लेड आयोडाइड। सिमिलरली जब पोटेशियम नाइट्रेट के साथ मिक्स हुआ तो यहाँ पे क्या बन गया, पोटेशियम नाइट्रेट। अब यहाँ पे MTP क्या है मतलब कि कौन सा IMP क्वेश्चन है, तो यहाँ पे पूछा जाता है कि ये जब केमिकल रिएक्शन होता है तो प्रेसिपिटेट क्या होता है, कौन सा सब्सटेंस प्रेसिपिटेट की तरह वर्क करता है और उसका कलर क्या होता है। तो आप लोगों को ये याद रखना है कि यहाँ पे लेड आयोडाइड जो है वो प्रेसिपिटेट के फॉर्म में होता है और उसका जो कलर है वो हमेशा येलो होता है। अब देखो ऐसे बहुत सारे कलर के प्रेसिपिटेट बनते रहते हैं जो हम आगे जाके डिस्कस करने वाले हैं। इम्पॉर्टेंट पार्ट ये होता है कि कौन सा कलर का प्रेसिपिटेट कब बनता है वो आप लोगों को याद रखना है। तो अगर आप लोगों को याद हो तो बचपन में एक गेम खेली जाती थी, दैट इज कलर कलर। तो आप इस चीज को ऐसे याद रख सकते हो कि अगर आपको कोई पूछे कलर कलर कौन सा कलर, तो लेड आयोडाइड का येलो कलर, इस तरीके से आप लोगों को याद रखना है। हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है इवोल्यूशन ऑफ गैस। इससे पहले हमने देखा था प्रेसिपिटेशन रिएक्शन मतलब कि कैसे प्रेसिपिटेट वहां पे फॉर्म होता है। वैसे ही जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होगा तो वहां पे अगर गैस इवॉल्व होती है मतलब कि गैस रिलीज होगी तो हम कह सकते हैं कि वहां पे एक केमिकल रिएक्शन परफॉर्म हुआ है। इसके कुछ एग्जाम्पल्स हम डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल हमें गिवन है कि मान लो हम जिंक के जो ग्रेन्यूल्स हैं, ग्रेन्यूल्स का मतलब होता है स्मॉल पीसेस, अगर मैं स्मॉल पीसेस ऑफ जिंक को सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर रख दूंगा
H2SO4 जो है वो सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला है, मोस्ट IMP फॉर्मूला है। ये वाला जो फॉर्मूला है वो चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 3 में भी रिपीट होगा। तो जब भी हम किसी भी पर्टिकुलर एसिड के अंदर यहाँ पे मेटल को प्लेस करेंगे, यहाँ पे मेटल जो है वो हमारा जिंक है, तो उस केस में क्या होगा, ये वाला जो जिंक है वो ये वाले SO4 के साथ कंबाइन होके ZnSO4 का फॉर्मेशन करेगा। और साथ साथ में यहाँ पे जो H2 है मतलब कि हाइड्रोजन जो है वो गैस के फॉर्म में यहाँ पे रिलीज होता है। ये जो अपवर्ड एरो है वो ये सजेस्ट करता है कि यहाँ पे जो गैस है वो इवॉल्व हुआ है। तो अगर आपको कहीं पे ऐसा अपवर्ड एरो दिखाई दे तो आपको ये कंसीडर करने का कि यहाँ पे गैस रिलीज हुआ है। सिमिलरली जब भी हम कैल्शियम कार्बोनेट जिसको CaCO3 कहा जाता है, ठीक है, ये कैल्शियम कार्बोनेट कहाँ पे प्रेजेंट होता है, तो एक्चुअल में जो चौक है, ठीक है, जो हम ब्लैक बोर्ड पे चौक का यूज करके लिखते हैं वो एक्चुअल में कैल्शियम कार्बोनेट ही होता है। अगर हम उसको हीट करेंगे, ट्रायंगल का मतलब होता है उसको हमने हीट किया, तो उस केस में वहां पे कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस वहां पे रिलीज होती है। तो हमने यहाँ पे टोटल 2 एग्जांपल्स डिस्कस किए जहां पे गैस इवॉल्व होती है। हमारी फोर्थ नंबर की इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है चेंज इन स्टेट। मतलब कि मान लो कि कभी भी कोई केमिकल रिएक्शन होता है तो वहां पे स्टेट भी चेंज हो सकता है, उसके भी हम एग्जांपल डिस्कस कर ले। तो फर्स्ट एग्जांपल में हमें गिवन है बर्निंग ऑफ पेट्रोल, वैक्स या पेपर। हमें पता है कि पेट्रोल जो है वो एक्चुअल में लिक्विड फॉर्म में अवेलेबल होता है, लेकिन जैसे ही हम उसको हीट करेंगे तो वो तुरंत ही वेपराइज हो जाता है, मतलब कि गैस के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। सिमिलरली पेपर जो है वो अगेन सॉलिड फॉर्म में होता है, उसको तुम हीट करोगे तो वहां से ब्लैक कलर का स्मोक निकलता है, और वैक्स भी जब भी हम उसको बर्न करते हैं तो वो मेल्ट होता है और वहां पे साथ साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है। मतलब कि बर्निंग की वजह से स्टेट चेंज हो जाता है, और ये भी एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक हो गई हमारी किसी भी केमिकल रिएक्शन की। फिफ्थ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है चेंज इन कलर। मतलब कि कभी भी कोई केमिकल रिएक्शन होता है तो वहां पे कलर में भी चेंज आ सकता है। इसका बेस्ट एग्जाम्पल क्या हुआ, तो रस्टिंग ऑफ आयरन। ठीक है, आपने नोटिस किया होगा कि जो आयरन है उसका जो टिपिकल कलर है वो ग्रेश जैसा होता है, ग्रेश ब्लैक कलर जैसा, लेकिन जब भी उसके ऊपर कोरोजन हो जाता है जिसको हम रस्टिंग कहते हैं, तो उसकी वजह से आपने नोटिस किया होगा कि वहां पे जो रस्ट है, ठीक है, वो ब्राउन कलर जैसा होता है। मतलब कि जो ग्रे कलर का आयरन था वो ब्राउन कलर के रस्ट में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, जिसको कोरोजन या तो रस्टिंग कहा जाता है, जो हम चैप्टर के एंड में डिटेल में डिस्कस करेंगे कि कैसे वहां पे कोरोजन होता है, कैसे रस्टिंग होता है, कैसे वो रस्ट बनता है और उसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, वो सब हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। और सिमिलरली आपने नोटिस किया होगा कि अगर आपने एप्पल को कट करके रखा है, ठीक है, तो आप कुछ मिनट के बाद वहां पे नोटिस कर सकते हो कि वो जो पर्टिकुलर एप्पल है उसका जो व्हाइट कलर का पार्ट है वो ब्राउन कलर में कन्वर्ट हो जाता है। क्यों कन्वर्ट हो जाता है, बिकॉज वहां पे केमिकल रिएक्शन होता है, वो एनवायरमेंट के अंदर प्रेजेंट ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, ठीक है, उस प्रोसेस को कहा जाता है ऑक्सीडेशन। तो वो ऑक्सीडेशन की वजह से वहां पे जो है वो पर्टिकुलर एप्पल जो है वो ब्राउन कलर में कन्वर्ट हो जाता है। तो टोटल हमने ऐसे 4 कैरेक्टरिस्टिक डिस्कस कर लिए, अभी हम फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक को डिस्कस कर लेंगे। हमारी फिफ्थ और लास्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है चेंज इन टेम्परेचर। यानी कि मान लो कभी कोई केमिकल रिएक्शन होगा तो उस केस में वहां पे टेम्परेचर भी चेंज हो सकता है। यानी कि अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो उसको हम डिफरेंट टाइप के रिएक्शन से जानेंगे, और मान लो कि वहां पे टेम्परेचर डिक्रीज होता है तो उस केस के लिए भी हमने वहां पे डिफरेंट टाइप के रिएक्शन को स्टडी करना होता है। सबसे पहले मान लो हम एक एक्टिविटी करते हैं। सबसे पहले हमारे पास मान लो कि एक बीकर के अंदर हमने वाटर को रखा हुआ है, उसके अंदर मान लो मैं कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है, जिसको हिंदी में चूना भी कहते हैं, उसको अगर मैं यहाँ पे प्लेस करूंगा तो आप वहां पे नोटिस करोगे कि कुछ टाइम के बाद अगर आपने वहां पे बीकर को टच किया तो वहां पे आपको टेम्परेचर जो है वो हाई फील होगा।
मतलब कि वहां पे पूरा का पूरा जो बीकर है उसका टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, साथ साथ में वहां पे हीट रिलीज होती है। तो ऐसे टाइप के केमिकल रिएक्शन को कहा जाता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। यहाँ पे कैसे रिएक्शन होता है, तो हमारे पास कैल्शियम ऑक्साइड ऑलरेडी प्रेजेंट है, वहां पे हमने उसको वाटर के साथ मिक्स किया, तो उस केस में वहां पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन होता है और साथ साथ में हीट रिलीज होती है। तो ऐसे टाइप के रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, जहां पे यहाँ पे प्रोडक्ट साइड पे हीट हमें मिलती है, तो हीट रिलीज होगी उसको हमने कह दिया एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इसके कंप्लीटली ऑपोजिट होता है हमारा सेकेंड टाइप का रिएक्शन, जिसको हम कहते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। देखो यहाँ पे एक्सोथर्मिक वर्ड कैसे बना वो सबसे पहले जान लो। एक्सो का मतलब होता है एग्जिट होना, ठीक है, और थर्म वर्ड जो है वो हीट को सजेस्ट करता है, मतलब कि ऐसा पर्टिकुलर रिएक्शन जहां पे हीट एग्जिट होती है, मतलब कि रिलीज होती है, जिसकी वजह से टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा, तो ऐसे रिएक्शन को हम क्या कहेंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ये उसका ऑपोजिट हुआ। एंडो का मतलब क्या हुआ, एंटर होना। क्या एंटर हो रहा है, हीट एंटर हो रही है, मतलब कि ऐसा कोई पर्टिकुलर रिएक्शन जहां पे हीट एब्जॉर्ब होती है, जिसकी वजह से सराउंडिंग का टेम्परेचर रिड्यूस हो जाता है, ऐसे टाइप के रिएक्शन को हम क्या कहेंगे, एंडोथर्मिक रिएक्शन। ये जो पार्ट है वो आपको 2 मार्क्स में डिफरेंस बिटवीन में पूछा जा सकता है, इसलिए इसको अच्छे से याद कर लेना, ठीक है। याद कर लेना मतलब कि वाई के एल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एमटीपी वाला हुआ, मतलब कि अगर मैं मान लो बोर्ड का पेपर बनाऊंगा तो ये पूछूंगा, ठीक है, मैं तो पूछूंगा, इस तरीके से आप याद कर सकते हो। सो आपको पता चल गया होगा कि एंडोथर्मिक किसको कहते हैं, एक्सोथर्मिक किसको कहते हैं। ऐसा ही हम एक एक्टिविटी घर पे भी कर सकते हैं, ठीक है। हमारे पास मान लो एक बीकर के अंदर वाटर है, उसके अंदर जब मैं कॉमन सॉल्ट को ऐड कर दूंगा तो आप वहां पे नोटिस करोगे कि वो जो पर्टिकुलर बीकर है उसका टेम्परेचर रिड्यूस हो जाता है, तो उसको कहा जाता है एंडोथर्मिक रिएक्शन। इसका अगर एग्जाम्पल एक और देखना है, तो जब भी हम कार्बन को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाते हैं, मतलब कि जब हम उसको हीट करते हैं, तो वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है। दोनों रिएक्शन में क्या डिफरेंस है, तो जहां पे राइट हैंड साइड पे हीट हम लिखते हैं, मतलब कि हीट रिलीज होती है, तो उसको कहा जाता है एक्सोथर्मिक। लेकिन जहां पे हम हीट को सप्लाई करते हैं, ठीक है, हमने यहाँ पे ऊपर हीट लिखा, अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पे लेफ्ट साइड पे भी हीट लिख सकता हूँ, एरो के लेफ्ट साइड पे, तो उस केस में ये क्या बनता है, एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो राइट साइड में हीट मतलब एक्सोथर्मिक, लेफ्ट साइड में हीट मतलब कि एंडोथर्मिक। तो हमने यहाँ पे टोटल हमारी 5 की 5 कैरेक्टरिस्टिक को डिस्कस कर लिया है। अभी हम स्टार्ट करेंगे इंपॉर्टेंट गिव रीजन। हमारा फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो रेगुलरली बोर्ड में पूछा जाता है वो है रेस्पिरेशन इज एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। रेस्पिरेशन में क्या होता है, हम हमारे बॉडी के अंदर ऑक्सीजन को एंटर करवाते हैं और वहां पे हम कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं, तो ऑक्सीजन अंदर आता है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाता है, ये प्रोसेस को कहा जाता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इस प्रोसेस को हमें एक्सप्लेन करने के लिए बोर्ड में कई बार पास्ट में पूछा गया है। तो रेस्पिरेशन के वक्त एक्चुअल में कैसे टाइप का केमिकल रिएक्शन होता है, एक्चुअल में एक्सोथर्मिक रिएक्शन ही होता है। कैसे वो रिएक्शन परफॉर्म होता है अब हम वो यहाँ पे जानने वाले हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि हम फूड को कंज्यूम करते हैं, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, कोई सेंस है इस बात की, ठीक है। तो जब भी हम फूड को कंज्यूम करते हैं तो हमें पता है कि फूड के अंदर से हमें क्या मिलता है, कार्बोहाइड्रेट मिलता है, फैट मिलता है, ठीक है, लिपिड्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, विटामिन्स होते हैं। अब ये जो सारे फूड के पार्टिकल्स है, ठीक है, मतलब कि फूड के जितने भी कंपोनेंट्स हमें यहाँ पे मिले उसके अंदर से, उन सब का कन्वर्जन होता है ग्लूकोज में, ठीक है। एक्चुअल में जो कार्बोहाइड्रेट है वो कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज के अंदर, और ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, तो याद रखना है C6H12O6। अब हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन को ब्रीथ इन करते हैं, मतलब कि ऑक्सीजन जो है वो ये वाले ग्लूकोज के साथ रिएक्ट करता है,
और उस केस में वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड साथ साथ में वाटर वेपर और एनर्जी का रिलीज होता है। तो जब भी हमें पता है कि राइट साइड पे कोई एनर्जी आती है, हीट आता है, तो ऐसे टाइप के रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो ऐसे टाइप का गिव रीजन आपको पूछे तो आपको ये रिएक्शन को लिखना आना चाहिए, और साथ साथ में जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया वो पार्ट आप लोगों को आना चाहिए। सेकेंड इंपॉर्टेंट गिव रीजन पूछते हैं, बर्निंग ऑफ मीथेन गैस इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। मीथेन जो है वो एक पर्टिकुलर टाइप की गैस है, ठीक है। ये हमें कहाँ पे मिलती है? तो एक्चुअल में जो बायोगैस है, ठीक है, उसको मीथेन गैस कहा जाता है, जिसका फॉर्मूला होता है CH4। जब ये हीट होती है, ठीक है, जब हम उसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट करवाते हैं, रिएक्ट करवाते हैं, तो उस केस में वहां पे अगेन कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है, वाटर वेपर रिलीज होता है और हीट रिलीज होती है। तो अगेन ये क्या हो गया? हमारा एक टाइप का एक्सोथर्मिक रिएक्शन, बिकॉज हमें प्रोडक्ट साइड पे हीट मिल रही है। और सिमिलरली जो हमारा लास्ट इंपॉर्टेंट गिव रीजन है, रॉटनिंग ऑफ वेजिटेबल मैटर इज एन अगेन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ये हमें पूछा जाता है। क्यों? तो हमें पता है कि जो वेजिटेबल मैटर है, मतलब कि जो आपके पास वेजिटेबल का वेस्ट मिला, ठीक है, जो प्लांट्स का वेस्ट मिला, उन सबको हम स्टोर करके रखते हैं बायोगैस प्लांट के अंदर, और बायोगैस प्लांट के अंदर हमें क्या मिलता है? मीथेन गैस मिलती है, ठीक है। तो उस केस में ये जो पर्टिकुलर वेजिटेबल मैटर है वो एक गैस के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। रॉटनिंग का मतलब होता है सड़ जाना, ठीक है। आपने नोटिस किया होगा कि जब भी वेजिटेबल सड़ जाते हैं तो उसमें से स्मेल निकलती है। क्यों स्मेल निकलती है? बिकॉज वहां पे गैस निकलती है, और वो गैस क्यों निकलती है? बिकॉज ऑफ एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो ये जो थ्री टाइप, ये जो हमने टोटल थ्री गिव रीजन से डिस्कस किए, वो आपको अच्छे से याद रखने हैं, बिकॉज ऐसे क्वेश्चन है जो रिपीटेडली बोर्ड की एग्जाम में पूछे गए हैं। हमारा न्यू टॉपिक है बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होता है। ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप लोग अच्छे से समझना, बिकॉज इसमें से 2 मार्क्स के और 3 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन किसको कहते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखो, आपको यहाँ पे एक केमिकल इक्वेशन दिया हुआ है, ठीक है। अब हमें यहाँ पे काउंट करने होते हैं नंबर ऑफ एटम्स ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। हम यहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स काउंट करेंगे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के। अगर दोनों के दोनों तरफ नंबर ऑफ एटम्स सेम आते हैं, रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड, तो उस केस में उसको कहा जाता है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। जैसे कि यहाँ पे हम देखें कौन कौन से एटम्स गिवन है, तो ZN, हाइड्रोजन, सल्फर एंड ऑक्सीजन। हम काउंट करेंगे यहाँ पे ZN कितना है? 1। प्रोडक्ट साइड कितना है? तो 1। सिमिलरली हाइड्रोजन काउंट करो, यहाँ पे कितने हैं? 2। यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं? 2। सिमिलरली सल्फर को काउंट करो, 1, ठीक है, और यहाँ पे भी कितना है? 1। और साथ साथ में ऑक्सीजन यहाँ पे 4 है, यहाँ पे भी ऑक्सीजन 4 है। दैट मीन्स जब भी यहाँ पे लेफ्ट साइड पे और राइट साइड पे नंबर ऑफ एटम्स इक्वल होते हैं, तो ऐसे टाइप के रिएक्शन को कहा जाता है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब हम जान लेते हैं कि अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन किसको कहते हैं। तो हमने बैलेंस वाले पार्ट में देखा था कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पे नंबर ऑफ एटम्स इक्वल होते थे, तो जब भी वहां पे नॉट इक्वल होगा, ठीक है, लेफ्ट साइड पे और राइट साइड पे, तो उस केस में उसको कहा जाता है अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। जैसे कि यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल दिया है कि नाइट्रोजन जब हाइड्रोजन से कंबाइन होता है तो वहां पे अमोनिया बनेगा। हम यहाँ पे काउंट कर सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड पे नाइट्रोजन कितने हैं? तो 2। राइट हैंड साइड पे नाइट्रोजन कितने हैं? तो 1। सिमिलरली हाइड्रोजन काउंट करो, लेफ्ट हैंड साइड पे कितने हैं? 2। राइट हैंड साइड पे कितने हैं? तो 3। दैट मीन्स यहाँ पे लेफ्ट साइड पे और राइट साइड पे नंबर ऑफ एटम्स इक्वल नहीं है, तो ऐसे टाइप के इक्वेशन को कहा जाता है अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब इसमें क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि हमें यहाँ पे अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में कन्वर्ट करना होता है। क्यों हम कन्वर्ट करते हैं? तो आपको सिंपल एक लाइन याद रखनी है, टू सेटिस्फाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास।
लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास आपने 9th स्टैंडर्ड में ऑलरेडी स्टडी किया था, उसमें हमने ये देखा था कि लेफ्ट हैंड साइड पे जो रिएक्टेंट का मास है दैट मस्ट बी इक्वल टू राइट हैंड साइड पे जो प्रोडक्ट का मास होता है। मतलब कि आपने देखा होगा मास के नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ठीक है। तो यहाँ पे जितना मास नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का होना चाहिए उतना ही मास हमें अमोनिया का मिलना चाहिए। तो यहाँ पे आप काउंट करोगे तो यहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स इक्वल नहीं है, नंबर ऑफ एटम्स इक्वल नहीं होंगे तो मास भी इक्वल नहीं होगा। तो वहां पे हमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को सेटिस्फाई करने के लिए हमें यहाँ पे इसको बैलेंस करना पड़ेगा। तो अभी हम इसके क्वेश्चंस स्टार्ट करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर वन हम सॉल्व करते हैं। जो भी हमने यहाँ पे देखा कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को कंबाइन करने से हमें मिलता है एमोनिया, तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है वो मेथड आपको मैं सिखाने वाला हूँ। आप इसको अच्छे से समझना बिकॉज आपके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप लोगों को ऑलरेडी पता है कि हमें सबसे पहले यहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स को काउंट करना पड़ता है। तो यहाँ पे 2 है, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड पे नंबर ऑफ एटम्स नाइट्रोजन के 2 है तो यहाँ पे 2 लिख दिया। साथ साथ में राइट हैंड साइड पे देखोगे तो सिर्फ 1 है तो यहाँ पे 1 लिख दिया। हाइड्रोजन के यहाँ पे 2 है और यहाँ पे हाइड्रोजन के टोटल 3 है, ठीक है। अब हमें क्या करना है वो पार्ट अच्छे से समझना। हमें हमेशा यहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स को इक्वल करने के लिए मल्टीप्लाई या तो डिवाइड करना है। वापिस से मैं रिपीट कर रहा हूँ, नंबर ऑफ एटम्स को इक्वल करने के लिए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पे हम या तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं या तो डिवाइड कर सकते हैं। कभी भी नंबर ऑफ एटम्स प्लस या तो माइनस नहीं होगा। तो अगर यहाँ पे हम देखें तो यहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स 2 है नाइट्रोजन के, यहाँ पे 1 है, तो अगर मुझे यहाँ पे 2 लाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 2 करना पड़ेगा। दैट मीन्स मुझे अब यहाँ पे 2 लिया मैंने यहाँ पे तो राइट हैंड साइड पे इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। ये फॉर्मूला के अंदर हम कभी भी चेंज नहीं करेंगे। जो भी नंबर से हम मल्टीप्लाई या तो डिवाइड करेंगे वो हमेशा आगे लिखा जाता है और 99% ऑफ केसेस में हमें ना मल्टीप्लाई ही करते हैं, कभी भी डिवाइड नहीं करते। तो आप बस अभी के लिए ऐसा मान लो कि हम हमेशा बैलेंस करने के लिए मल्टीप्लाई ही करेंगे। अब सोचो इसका इम्पैक्ट कैसे हाइड्रोजन के ऊपर आता है। जब मैंने यहाँ पे इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो हाइड्रोजन अब कितने हुए, तो 2 × 3 कितने हो गए हाइड्रोजन, 6। तो ये 3 अब हाइड्रोजन नहीं है। टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन इस तरीके से मल्टीप्लाई करके हम काउंट कर सकते हैं, तो अब 3 की जगह पे कितने हाइड्रोजन हो गए, 6। तो यहाँ पे हमने नाइट्रोजन को बैलेंस कर दिया लेकिन हाइड्रोजन अभी भी बाकी है। तो यहाँ पे 6 है और यहाँ पे 2 है, मुझे अब यहाँ पे 6 लाना हो तो मैं क्या करूँगा, इसको मल्टीप्लाई बाय 3 करूँगा। तो मैंने यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे 3 से मल्टीप्लाई किया तो जहाँ पे भी हाइड्रोजन दिखाई दे रहा है वहाँ पे आप 3 से मल्टीप्लाई करो। तो अब आप नोटिस कर सकते हो कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पे नंबर ऑफ एटम्स इक्वल हो चुके हैं। दैट मीन्स हमारा ये जो इक्वेशन है वो बैलेंस हो चुका है। अगर आपको बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशंस के बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मैंने आपके लिए ऑलरेडी एक अलग से वीडियो बना के रखा है जहाँ पे हमने बहुत सारे बैलेंसिंग के क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, तो उस लिंक के ऊपर आप जाके सिर्फ और सिर्फ बैलेंसिंग वाला पार्ट जो है वो अच्छे से स्टडी कर सकते हो। उसका जो थंबनेल है वो भी आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, तो थंबनेल से भी आपको आइडिया आ जाएगा कि यहाँ पे हमने बैलेंसिंग का पूरा पार्ट जो है वो पर्टिकुलर वीडियो के अंदर कवर किया है। आई होप आपको ये वीडियो में सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। इसके नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन को स्टडी करने वाले हैं, जहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गया, कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गया, डीकम्पोजिशन रिएक्शन हो गया, रेडॉक्स हो गया, सारे के सारे जो हमारे टाइप्स ऑफ रिएक्शन है उसको हम कवर करने वाले हैं, सो दैट आपको आने वाली एग्जाम में कोई प्रॉब्लम ना हो। अगर ये वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने फ्रेंड्स और फैमिली में इसको शेयर कर देना। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अंटिल देन बाय। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।